हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास नाइन चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज सिक्स ए क्वेश्चन नंबर सिक्स इज इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू एंगल जेड वाई एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड सिक्सटी फोर डिग्री है एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी एक एंगल है एक्स वाई हम बेस लाइन मान लेते हैं मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं दिस इज एक्स दिस इज वाई एंगल एक्स वाई जेड इज सिक्सटी फोर डिग्री एक्स वाई जेड बोला है तो यहाँ कहीं ये आ रहा होगा हमारे पास एक्स वाई जेड इसे जेड मानते हैं ये हमारा सिक्सटी फोर डिग्री गिवन है एंगल एक्स वाई जेड सिक्सटी फोर फर्दर बोल रहे हैं एक्स वाई इज प्रोड्यूज टू पॉइंट पी इस लाइन को फर्दर प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसे पॉइंट पी तक फर्दर है इफ रे वाई क्यू ये जो एंगल जेड वाई पी है इसे बाइसेक्ट करेगी एक रे वाई क्यू यानी y से q पे एक रे जा रही है ऐसे करके ड्रॉ कर लेते हैं ये बाइसेकट कर रही है बाइसेकट करने का मतलब होता है इक्वल हाफ कर रही है दैट मीन्स ये वाला हाफ जो भी पोर्शन बन रहा है और ये वाला पोर्शन जो भी बन रहा है वो दोनों सेम होंगे बाइसेकट के लिए मैं लिख रही हूं एंगल z y q इज इक्वल्स टू एंगल q y p ये हमें गिवन है जब भी बाइसेकट करती है तो मतलब आधा आधा कर दे रही है दो इक्वल पार्ट्स कर रही है अब हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू एंगल एक्स वाई क्यू अगर फिगर में देखें तो दो एंगल से बन रहा है पहला एंगल ले लेते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू यह एंगल हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू तो दो एंगल से बन रहा है तो मैंने उनका नाम लिखा है फर्दर मैं वैल्यू शूट करती हूँ इसे सिक्सटी फोर डिग्री गिवन है जेड वाई क्यू हमें नहीं पता है हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है बाइसेक्ट करने की वजह से तो इन्हें x इच हम एज्यूम कर लेते हैं सो दिस इज x एंड दिस इज ऑल्सो x. तो हमारे पास एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू आ गई 64 डिग्री प्लस x. ये हमारी पहली क्वेश्चन है अब दो चीज अननोन है तो ये क्वेश्चन फर्दर सॉल्व नहीं होगा दैट मीन्स हमें x की वैल्यू कहीं और से फाइंड करनी पड़ेगी तो मैं ये स्ट्रेट लाइन एक्स पी ले दी मैं लिख सकती हूँ एंगल सिक्सटी फोर डिग्री प्लस एक्स डिग्री एंड प्लस एक्स डिग्री ये दोनों एंगल इज इक्वल टू वन एटी डिग्री ऐसा मैंने क्यों लिया है ये मैं यूज कर रही हूं स्ट्रेट लाइन के लिए एक्स इज़ इज स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने भी एंगल हो सम वन एटी डिग्री होता है सो वी हैव दिस एम्प्लाइज 64 डिग्री प्लस टू एक्स इज इक्वल्स टू वन डिग्री टू एक्स इज इक्वल्स टू वन एटी माइनस सिक्सटी फोर वन एटी माइनस सिक्सटी फोर जीरो माइनस फोर इज सिक्स सेवन माइनस सिक्स इज वन वन हंड्रेड सिक्सटीन सो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है वन वन सिक्स अपॉन टू दैट इज फिफ्टी एट डिग्री एक्स हमारे पास फिफ्टी एट आ गया है तो इससे हम फाइंड करते हैं एंगल एक्स वाई क्यू जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री दोनों का सम हो जाएगा 122 डिग्री। फॉर द डिग्री सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल QYP, तो एंगल QYP अभी हमने फाइंड किया है इसकी वैल्यू हमारे पास है 58 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल फाइन करने के लिए हमें 360 में से माइनस करना पड़ता है गिवन एंगल तो 360 सिक्सटी माइनस फिफ्टी एट डिग्री सो सिक्सटी माइनस फिफ्टी एट विल बी टू एंड थ्री जीरो तो थ्री जीरो टू डिग्री इज अवर आंसर